राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधी का आतंक दिखने को मिला है। ताजा मामला दानापुर का है, जहां बदमाशों ने जेडीयू नेता दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सोमवार की रात दीपक मेहता अपने घर के पास बैठे थे, उसी दौरान बाइक से आए अपराधियों ने उन पर कई राउंड गोलियां चलाई। वहीं गोली लगने से वो जख्मी होकर वहीं गिर पड़े और अपराधी मौके से फरार हो गए। आनन फानन में लोगों ने दीपक मेहता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मर्डर के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गया। जानकारी मिलते ही लोग सड़क पर उतर आए और पटना दानापुर मार्ग को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। वही घटना की सूचना मिलने पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मौके पर पहुंचे, जहां कुछ देर के लिए उन्हें भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन हत्या किस वजह से हुई है अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। बहुत ही दुखद घटना है, इन्हीं का सरकार है, यही ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन घटना हो गई है, इन्हीं को हम लोग वोट देते हैं, इन्हीं का शासन हालत। तो बहुत ही दुखद घटना है, इस घटना की हम निंदा करते हैं, लेकिन जो कोई भी इसके पीछे दोषी है निश्चित रूप से छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा किया जाएगा, निश्चित रूप से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और घटना हुई है उसमें जो कोई भी इसके पीछे है निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से कार्रवाई। देशवा न्यूज के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट।